प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे और यही हादसे आमजन के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। ऐसे ही हादसे में आज एक परिवार तबाह हो गया। रोजाना की तरह खरका निवासी 45 वर्षीय वकील राम मिस्त्री अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह घर से निकला था। जैसे ही वो चीका रोड पर अपनी बाइक लेकर पहुंचा तभी पीछे से आ रही एक निजी स्कूल की बस ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वह रोड पर गिर गया और पीछे से आ रही एक अन्य प्राइवेट बस उसके ऊपर से निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद प्राइवेट बस चालक मौके से फरार हो गया। परिवार के सदस्यों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। और जो ये आज हादसा हुआ है, इसमें हमारा जो वकील राम जिसकी जो मृत्यु हो चुकी है, ये एक जाति तौर पर बहुत अच्छा आदमी, गरीब आदमी है और अपना गुजारा करा। इसके पास एक लड़का, दो लड़की है जिनकी लड़की शादी कर रखी है। सुबह 8:30 बजे ये जी गाँव चांद चक्की तरफ जा रहे थे, वहाँ पर दिहाड़ी है, वहाँ पर उन्होंने काम छेड़ा हुआ मिस्त्रियों का। और रास्ते में उधर से बस आ रही थी, एक बस यहाँ से हमारे गांव में स्कूल है जी, ग्लोबल स्कूल है जी, जो प्राइवेट है, उनकी बसें भी जो मतलब अच्छी खालसा नहीं है, पुरानी है। और उसने जब ये लड़का साथ में डाला, उसने टक्कर मारी जो साइड मार के, जो उधर से बस आ रही उसके आगे वो जो हमारा आदमी है, हमारा वकील ना, वो वहाँ पर गिर गया, साइड में मोटरसाइकिल जनाब गिरा है। और बाद में 10-15 मिनट बाद हमें पता लगा, जब मौके पर गए हैं तो बस भी वहाँ खड़ी है, दूसरी बस भी खड़ी है, वो उसके बस के नीचे आ गया, जो दूसरी बस आ रही थी पीछे से इसने टक्कर मारी है। उस टक्कर वजह से वो हमारे जो आदमी की जो मृत्यु हुई है, वो प्राइवेट बस है जिसने टक्कर मारी है सारा। तो क्या मांग करते हो आप? हम मांग ये इसका पूरा मुकदमा बनाया जाए जी और कानूनी कार्रवाई की जाए, हम इनको नहीं छोड़ेंगे और ना बख्शेंगे। ये गांव खरका का वकील राम है, चिनाई का काम करता था। ये आज सुबह काम करने के लिए अपने गाँव चांद चक के लिए चला था। रामथड़ी की तरफ से ग्लोबल स्कूल की बस आ रही थी और उसके साथ साथ ही एक खरका की तरफ से प्राइवेट बस आ रही थी। ये वकील राम इसे ग्लोबल बस की टक्कर लगने के कारण प्राइवेट बस के अगले टायरों के नीचे आकर इसकी मौके पर ही मौत हो गई। नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर दिया है।